पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए सतेंद्र शर्मा ने इसका विरोध किया है। निष्कासित होने का विरोध करते हुए सतेंद्र शर्मा के द्वारा पत्रकार वार्ता की गई। प्रेस वार्ता करते हुए सतेंद्र शर्मा ने कहा कि जिसे कोई हक ही नहीं है वो किसी को क्या हटा सकते हैं। ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञानेंद्र शर्मा जी का कार्यकाल बहुत पहले ही समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने ये कदम उठाया है जो सरासर गलत है। सतेंद्र शर्मा ने कहा कि मुझे निष्कासित करने का हक वास्तव में शर्मा जी को है ही नहीं, क्योंकि कार्यकाल के रहते ही कोई एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने के बाद कोई भी एक्शन लेने का हक नहीं रहता। मैं इसका विरोध करता हूं, इसीलिए मैं अपना कार्य जारी रखूंगा और अपनी टीम का गठन करते हुए आगे का कार्य सफलतापूर्वक करता रहूंगा। मैंने आज अखबार में पढ़ा कि कुछ चेंजेस अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में हुए हैं। पंडित ज्ञानेंद्र शर्मा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके द्वारा पंडित ज्ञानेंद्र शर्मा जी का 2009 में चुनाव हुआ और 2014 तक उनकी वैधता एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष है। 14 के बाद कुछ विवादित रहा, एक दूसरे अध्यक्ष बने, लेकिन उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ। और मैं 2015 में प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत हुआ पंडित ज्ञानेंद्र शर्मा और पंडित प्रेम शंकर जी द्वारा पूरी कैबिनेट के सामने, और मेरा कार्यकाल 5 वर्ष था, मैं काम कर रहा हूँ। पीछे मैंने कुछ रावण को लेकर बयान दिए और राजा राम जी के बारे में कुछ बयान दिए। इससे खफा मैं समझता हूँ, भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रेशर पंडित जी पर बनाया गया और उन्होंने मुझे आज पता लगा है कि उन्हें मुझे जो है इस पद से हटा दिया और किसी और को एसके पांडे जी बरेली वालों को बना दिया गया। क्योंकि मेरा कार्यकाल तो जब 15 में बना तो 5 साल का है, 20 साल तक बनता है। इनका कार्यकाल तो 2014 में ही खत्म हो गया, तो इन्हें किसी को अपॉइंट करने या किसी भी प्रकार का हटाने या बनाने की कोई पावर मैं समझता हूँ नहीं है मौलिक रूप से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैंने कोई भी बात कही है तो बिल्कुल सही कही, रावण के अगर पुतले दहन का विरोध किया तो किया, और भगवान श्री रामचंद्र जी अगर मैंने कहा है वो राजा या भगवान ये शोध का विषय, तो ये भी कहा है, मैं इस पर हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, राजे रजवाड़ों के खिलाफ मैंने कहा है, क्योंकि नवाबों या राजाओं ने कुछ नहीं दिया। तो इस प्रकार से एक पार्टी को, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा को पूरी तरह से समर्पित कर देना ये बिल्कुल गलत है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा में सभी प्रकार के लोग हैं, कांग्रेस में भी ब्राह्मण बंधु हैं, बसपा में भी हैं, समाजवादी पार्टी में भी हैं, और बहुजन समाज पार्टी में भी हैं, जितनी देश की पार्टियां वहां सब हैं, इस समय अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो एक पर्टिकुलर पार्टी के दबाव में आके इस प्रकार से निर्णय लेना मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। और मैं समझता हूँ, मुझे काफी लोगों ने ऐसा कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इसका कहीं आपके द्वारा विरोध रहेगा या बिल्कुल विरोध रहेगा? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और अपना काम जारी रखूंगा, मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मैं तो बिल्कुल समाज की सेवा करता रहूंगा। अभी मैंने पंडित दीनदयाल शर्मा जी को प्रदेश संगठन मंत्री मनोनीत किया है, जिलाध्यक्ष हमारे आजकल में दूसरे होने जा रहे हैं, तो हम अपना काम जारी रखेंगे, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या कहें, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के इस वक्त राष्ट्र अध्यक्ष कौन होंगे? इस वक्त तो मैं समझता हूँ कोई भी नहीं है,